मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। यूनिक एंड इजी पास्ता इज रेडी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज मेरे घर में थी फरमाइश पास्ता बनाने की, तो मैंने सोचा आपके साथ मिलके बनाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी। ये पास्ता बहुत ही यूनिक और इजी है, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो देख लेते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर चिकन चाहिए, हाफ़ के जी है ये चिकन, कीमा है ये हाफ़ के जी, प्याज़ है मीडियम साइज़ के दो अदद इस तरह से कट किए हुए, टमाटर हैं दो अदद और दो हरी मिर्चें इसमें मैंने चॉप कर ली थी, और लहसुन अदरक है पेस्ट मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। स्पाइसिस में हमें चाहिए नमक हसब ज़ायका ले लें, धनिया पाउडर ले लें 1 टीस्पून है भर के, और हल्दी है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा है 1.5 टीस्पून, और कुटा हुआ ज़ीरा है ये, पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्चें मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर नहीं स्पाइसी नहीं पसंद तो कम कर दीजिए। ये है मेरे पास पास्ता सॉस, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें, 2 टेबलस्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। और यहाँ हैं जी मेरे पास कुछ सॉसेस, विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस, ऑयल हम लेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम, और ये है जी ओरिगानो 2 पिंच काफ़ी है। पास्ता 1 पैकेट में यूज़ कर रही हूँ, कैप्सिकम है थोड़ा सा मेरे पास, थोड़ी सी है, और हरी प्याज है यहाँ थोड़ी सी मेरे पास। तो चलें फ्लेम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चलाते हैं चूल्हा, और कढ़ाई में डालती हूँ मैं ऑयल, जी ऑयल मैंने डाल दिया है, और जैसे ही ये गर्म होता है तो हम सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पे, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज, ये सारी चली गई जी ऑयल में इस तरह से जी, तो थोड़ा हिला लेंगे। और प्याज को हमें यहाँ पे डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना पास्ता का कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा। हमें यहाँ गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा, लाइट गोल्डन सा जो कलर होता है प्याज का, वो हमें यहाँ पर चाहिए होगा। ये देखें ये कलर आने लगा है प्याज में, और ये यहाँ पर हो गया है जी लाइट गोल्डन सा, एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए इस तरह से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर, और मिक्स करेंगे थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि लहसुन अदरक जलने ना पाए, थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मैं टमाटर, टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं यहाँ पर, मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर, इसे मिक्स करने के बाद साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो इसके अंदर नेक्स्ट में डालूँगी। ये हो गया है डन, और ये मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर सारे ड्राई मसाले।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद मैं यहाँ डाल दूँगी पानी हाफ़ा कप, और इसको हिलाने के बाद कवर कर दूँगी और हम थोड़ा वेट करेंगे टमाटर के अच्छे से गल जाने का। और आंच मैंने यहाँ पे कर दी है स्लो, चेक करेंगे। अच्छा जी, टमाटर हमारे अभी अच्छे से गले नहीं हैं, अभी थोड़ी सी इसमें समझ लें कि कसर बाकी है, तो इसे मैं दोबारा से जो है वो कवर कर दूँगी। ये देखें, ये अभी यहाँ पर कम्प्लीटली टेंडर नहीं हुए हैं, तो इसे हम करते हैं कवर। और पानी क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी यहाँ पर, और अब मैं इसे कर दूँगी मिक्स करने के बाद कवर इस तरह से। मसाले को हमने इसी तरह से भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप रिक्वायर्ड हैं तो आप थोड़ा सा और डाल दें और फिर भूनें। पानी अगर ड्राई हो जाए और आपको लगे कि टमाटर नहीं गले हैं तो थोड़ा सा आप डाल दें और फिर कवर कर दें। देखें, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से टमाटर जो हैं वो मेरे गल गए हैं, और ये जो थोड़े से आप नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मैं इसको इस स्पून की मदद से ही थोड़ा सा मैश कर लूँगी इस तरह से। और ये कितना ज़बरदस्त मसाला मेरा रेडी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी हमारा चिकन, जो हमने चिकन कीमा लिया हुआ था हाफ़ के जी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। ये हो गया है जी अच्छे से मिक्स। वैसे अब इसमें मज़ीद पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम, क्योंकि आपको पता है चिकन बहुत अच्छे से वैसे ही जो है गल जाती है, बहुत जल्दी से गल जाती है, और ये तो चिकन क्रीमा है, ये तो फ़ौरन से ही ये हमारे भूनते भूनते ही ये अच्छे से गल जाएगा। पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और पानी बस चिकन का ड्राई हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा, तो समझें कि हमारा चिकन जो है वो रेडी है। ये देखिए, यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट इसका ख़त्म हो गया है और ऑयल आना शुरू हो गया है, साइडों से हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, पानी अब इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये हमारा चिकन अच्छे से भुन गया है। ये बहुत ही मज़े का पास्ता बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। और ये देखिए जी, कम्प्लीटली डन। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जी सॉसेस जो हमारी थी, ये है हॉट सॉस, ये मैंने 1 टेबल स्पून ली हुई है। और अच्छा, मेरी ये थिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सोया सॉस है और ये हॉट सॉस है, अमेरिकन गार्डन का होता है मेरे पास, और ये काफ़ी इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छा, मतलब थिक होता है ये। और ये देखिए देखिए इस तरह से, ये देखें कितना थिक है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 ड्रॉप ही इसकी काफ़ी होंगी। आपके पास अगर लिक्विड वाला है, जो दूसरे हमारे पास आते हैं कीस वगैरह के या नेशनल के, जो भी अगर आपके पास वो हैं, तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड होता है तो इतना स्ट्रॉन्ग कलर या फ्लेवर उसका नहीं आता है। ये मैंने यहाँ पे शामिल किया है विनेगर, और अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोया सॉस तो हम नहीं डालेंगे ज़्यादा, क्योंकि कलर उसका डार्क हो जाता है उससे। हमें विनेगर और हॉट सॉस का थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। और दूसरी जगह मैंने रखा हुआ था पास्ता बॉईल होने के लिए, और ये पास्ता जो है मेरा ऑलमोस्ट डन है। और पास्ता तो सभी को पता है कैसे बॉईल होता है, नमक और थोड़ा ऑयल डाल के आपने बॉईल कर लेना है जस्ट। और यहाँ तो ये चिकन हमारा ऑलरेडी पहले से रेडी है, और हमने बस बॉईल पास्ता इसके अंदर ऐड कर देना है, सिंपल। और अगर आपने बॉईल करके पास्ता रखना है तो मेक श्योर आप उसके अंदर ऑयल लगा के रखेंगे, अदरवाइज़ वो आपस में चिपक जाएगा।
मैंने क्योंकि हैंड टू हैंड ये किया है कि पहले कीमा उसका रेडी कर लिया और पास्ता बॉईल करके फ़ौरन से इसमें शामिल कर दिया है, तो मैंने ऑयल लगा के इसको नहीं रखा था। ठीक है, इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। और ये हो गया है जी मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता सॉस। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, अगर है तो फिर आप इसे डेफिनेटली यूज़ करें क्योंकि बड़ा मज़े का एक फ़्लेवर आता है इससे। ये देखें, इसको मैं कर लूँगी फिर से मिक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने पास्ता डाला है तो मेरा चूल्हा जो है वो बंद था। ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च, बंद इसलिए था कि चिकन हमारी बिल्कुल ड्राई थी और पास्ता तो हमने ड्रेन कर ही लिया था, तो इसलिए अगर मैं चूल्हा उसका जला देती तो वो बहुत जल्दी से चिकन और पास्ता ड्राई ड्राई हो जाता, जबकि हमें थोड़ा सा सॉसी चाहिए। ये मैं ऐड कर रही हूँ हरी प्याज। चूल्हा मैंने बहुत स्लो किया हुआ है, जैसे दम पे होता है बिल्कुल इस तरह से। हरी प्याज डालने के बाद ही हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि वो क्रंची रहे। और ये हो गया है जी ज़बरदस्त पास्ता डन। और अब इसको करते हैं डिश आउट इस तरह से। देखा आपने कितना सिंपल और इजी है। और ये डिश आउट करके मैं ऐसे ले आई हूँ और अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं गार्निश। चाहिए, मैंने फ्लावर वगैरह बना के पहले से ही फ्रिज में रख दिए थे, टमाटो का और ये स्प्रिंग अनियन का बना के ठंडे पानी के बॉल में भर के उसे रख दिया था, तो ये फिर एकदम से इस तरह से फ्लावर सा बन जाता है कट करके जब हम इसे रखते हैं तो, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसको हम लगाते हैं ऐसे जी। तो देखा आपने कितना इजी है और कितना सिंपल रेसिपी है ये, ऐसे झटपट तैयार हो जाने वाली। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर स्प्रिंग अनियन और ये जी पास्ता मेरा ज़बरदस्त सा रेडी है। मेक श्योर कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि आने वाली है रमज़ान की मज़ेदार और इजी रेसिपीज़। तो दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।